बिसम क्लास होप यू आर आर फाइन ओके क्लास आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक मेथड के बारे में और प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिटिक मेथड के बारे में पढ़ा था और सिंथेटिक मेथड एक्चुअली एनालिटिक मेथड के अपोजिट वे है इसका ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इट इज़ दी अपोजिट ऑफ द एनालिटिक मेथड हेयर वन प्रोसीड्स फ्रॉम नॉन टू अनॉन वाइल एनालिटिक मेथड में हमने ये देखा है कि उसकी डेफिनेशन कहती है कि एनालिटिक मेथड प्रोसीड करता है फ्रॉम अन नॉन टू नॉन और सेंथेटिक फ्रॉम नॉन टू अनॉन इन प्रैक्टिस सेंथेटिक या इसकी जो मीनिंग है सेंथिसिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ एनालिसिस यानी उससे तमाम जो एनालाइज करते हुए एनालाइज करते हुए हमें जितनी भी चीज़ें करनी पड़ती हैं ब्रेकिंग अप्स करनी पड़ती हैं चीज़ों को नॉलेज को तो उस सारे का कंप्लीमेंट यानी उस सारे में जो कॉमन डाटा आता है वो कंप्लीट हमारे पास है सेंथिसिस टू सेंथिसिस इज़ टू प्लेस टू गैदर थिंग्स दैट आर अ पार्ट यानी वो तमाम चीज़ें जो बिखरी हुई होती हैं उन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करना जो है वो सेंथिसिस में आता है इट स्टार्ट विद समथिंग ऑलरेडी नॉन एंड कनेक्ट्स दैट विद द अन नॉन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट यानी नॉन रिजल्ट को हम प्रोसीड करते हुए लेकर जाते हैं उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि अभी अन है

इसमें से आपने एग्जाम्पल टू करनी है ठीक है इफ़ ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी प्रूफ दैट ए सी माइनस टू बी स्केयर ओवर बी इज़ इक्वल टू सी स्केयर माइनस टू बी डी ओवर डी ओके सिंथेटिक प्रूफ करना है हमने आपने इसी तरह की इक्वेशन का एनालिटिक प्रूफ भी देखा था प्रोसीजर में जब हमने एनालिटिक मेथड पढ़ा था अब इसी को सिंथेटिक मेथड के अकॉर्डिंग प्रूफ देखें सा ओवर बी इज़ इक्ल टू सी ओवर डी इसे हमने ले लिया उसके बाद दोनों साइड्स पे माइनस किया हमने टू बी ओवर सी ठीक है ये एल सी एम जिसे उर्दू में जवा जाफ़कल बोलते हैं जवाज़ जाफ़कल लिया हमने और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई उसके बाद यहाँ पर बहुत साइड्स में नीचे देखें सी कॉमन है सी को बहुत साइड से कैंसिल किया ठीक है तो बी नीचे सेपरेट और यहाँ पर डी नीचे सेपरेट और ये नोट करें ये वही रिज़ल्ट है जो हमने ऊपर प्रूव करना था राइट right? तो ये सेंथेटिक प्रूफ है एनालिटिक में हमने कैसे प्रूफ किया था एनालिटिक में हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए प्रूफ किया था कि ए ओवर बी इज इक्वल टू है सी ओवर डी राइट चलें जी ये आपने प्रोसीजर में इसको लिख लेना है अब हम इसके मैरिट्स और डी मेरिट्स को देखते हैं ओके okay, जी सेंथेटिक मैथड के मेरिट्स हैं इट इज़ अ शॉर्ट एंड एलिगेंट मैथड यानी जल्दी सॉल्व होने वाला मैथड है इट ग्लोरेफाइज मेमरी ये यादाश्त को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है उस और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी ओबियसली इसमें डील करना पड़ते हैं ठीक है ठीके? ये ज़रा ब्लर हो रहा है पेज तो ज़रा मैं रीड कर रही हूँ तो आप रीड करते हुए बुक को साथ में सिमिलर कर लीजिएगा ताकि आपको बुक से समझ आ जाए अगर आपको स्पेलिंग्स या वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे ठीक है ओके जी इस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या हैं इट लीव्स मैनी डाउट्स इन दी माइंड ऑफ द लर्नर एंड ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन फॉर देम क्योंकि एक प्रो, प्रोसीजर चलता है उसी के मुताबिक उसको सॉल्व कर देना होता है ठीक है जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टूडेंट जो है वो हासिल नहीं कर पाता विदाउट अ सेटिसफैक्ट्री आंसर टू सो मैनी क्वेश्चन दैट अराइज इन सेंथेटिस सेंथेसिस दीपल इज परप्लेक्सड वेन आर न्यू प्रॉब्लम इज सेट टू हिम यानी अगर उसको बेसिक उसके पार्ट्स का ही नहीं पता होगा तो उसको कोई और प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो वो स्टूडेंट इजीली उसको सॉल्व नहीं कर सकेगा इवन दी रिकॉल ऑफ ऑल द स्टेप्स ऑफ सेंथिस में नॉट बी पॉसिबल फॉर दी लर्नर यानी हर स्टेप को फॉलो करना भी लर्नर के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो हो सकता है कुछ स्टेप्स हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली स्टेप्स डिफर हो जाएँ ठीक है यानी डिफरेंट हों इट डज़ नॉट प्रोवाइड फुल अंडरस्टैंडिंग ओबियसली क्योंकि एक टू दि पॉइंट चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही होती हैं देर इज़ नो स्कोप ऑफ डिस्कवरी एंड थिंकिंग इन दिस मैथड क्योंकि एक uh, चीज़ों को कुछ स्टेप्स को बस फॉलो करना है उसने और इसी तरह यहाँ पर डिस्कवरी कुछ भी नहीं वो कर सकता क्योंकि वो चंद स्टेप्स हैं जिनको उसको फॉलो करना पड़े मेमरी वर्क एंड होमवर्क आर लाइकली टू बिकम हैवी क्योंकि सेम स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर होमवर्क दिया जाएगा तो वो स्टूडेंट्स उससे अप हो जाएंगे जल्दी ओके okay, अब है कंक्लूजन दोनों मेथड्स का सिंथेटिक और एनालिटिक मेथड का कंक्लूजन है द पीपल थॉट बाय द मेथड ऑफ सिंथेसिस इज जस्ट लाइक अ मैन ब्लाइंड फोल्ड टू द डिजायर्ड गोल जिसे बस अपने एक एम की तरफ प्रोसीड करना है यानी जो उसे बता दिया गया है उसे उस डायरेक्शन में चलना है और वो चीज़ें हासिल करनी है सिंस एनालिसिस इज़ अ लेंथी मैथड इट टेंस हेल्प ऑफ सेंथिसिस फॉर दी अप्रूवल ऑफ दिस डिफीट यानी जो ये लेंथी प्रोसीजर है अगर एनालिसिस तो ये अगर सेंथेसिस प्रोसीजर को लेके चलेगा तो ये इस डिफेक्ट को ख़त्म कर सकता है इट विल नॉट बी यूजफुल इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोड बाई सेंथिसिस इन एनलेटिक मैथड के लिए सेंथिसिस मैथड ज़रूरी है इससे ज़रा शॉर्ट मैथड अप्लाइकेबल होगा और शॉर्ट टाइम में बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे और मेमरी जो है उसकी भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स को सेंथेसिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ द एनालिसिस एंड इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स दू शुड ऑलवेज गो टूगैदर यानी इन दोनों को कम्प्लीटली इकट्ठे ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करना चाहिए एनालिसिस लीड्स थ्रू सेंथिसिस एंड सेंथेसिस मेक्स दर्पज़ ऑफ एनालिसिस क्लियर एंड कंप्लीट यानी कि जो अनालिस है वो सैपथिस जो सेंथेटिक मेथड है उसी की तरफ प्रोसीड कर रहा होता है और सेंथेटिक मेथड जो है इसके एनालिटिक मेथड को मज़ीद क्लियर बता देता है कि एनालिटिक मेथड जो है वो किस लिहाज से अपने स्टेप्स को फॉलो करवा रहा होता है इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एनालिसिस इज़ डन फॉर सेंथिसिस एनालाइज इन ऑर्डर टू सेंथिसाइज़ यानी कि सेंथिसाइज़ करने के लिए अगर एनालिटिक मैथड पहले से एप्लीकेबल किया होगा तो वो और भी बेहतर रहेगा फैक्ट्स और थिंग्स आर सेपरेटेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ दीज कैन बी नाइट टूगैदर टू फॉर्म वन होल यानी कि इन दोनों को सेपरेटली स्टडी करने से बहुत बेहतर है कि अगर हम इनको इकट्ठा करके जो है वो मैथड को किसी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करें एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टेंडिंग एंड थैंसिस एंड सेंथिस हेल्प इन रिटेनिंग नॉलेज यानी जो सेंथिसिस मैथड है वो नॉलेज हासिल करने में मदद देता है और एनालिसिस मैथड जो है वो प्रॉब्लम को या किसी नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है सो so, इस लिहाज से ये दोनों मैथड जो है वो कम्बाइन हो जाएँ तो नॉलेज बेहतर तरीके से डिवेल्प की जा सकेगी स्टूडेंट में एनालिसिस फॉर्म्स द बिगनिंग एंड सेंथिसिस फॉर्म दी फॉलो अप वर्क यानी जो फॉलो करने वाले स्टेप्स हैं वो सेंथिसिस में ज़्यादा हैं यहाँ तक आप इसको कर लें और फिर लास्ट में जो लाइन है दी कम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ द टू मैथड शुड बी टू ऑफ इंटरेस्ट टू द रीडर एक कंपेरिज स्टडी का अकॉर्डिंग एक टेबल है अगर वो देख लें आप तो उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों कंपैरेटिवली कौन सा बेहतर है और कौन सा किस मकसद के लिए मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है ओके क्लास अगर आपको क्वेश्चन आता है सेंथेटिक मेथड का तो आप उसको कंक्लूजन तक लिखें ठीक है और अगर आपको लेकिन कंक्लूजन में से भी सिर्फ वो लाइनें लिखें जो जस्ट सेंथेटिक मेथड की हैं और वो अगर एनालिटिक मेथड आता है तो आपने एनालिटिक मेथड की डिटेल लिख के मेरिट्स डी मेरिट्स के बाद कंक्लूजन में से वो पॉइंट्स निकाल लेने हैं जो एनालिटिक मेथड के अकॉर्डिंग हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए सेपरेट से एक हेडिंग बन जाएगी कंक्लूजन की इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी इसका बन सकता है विच इज़ कम कंपैरिजन बिटवीन एनालिटिक एंड सेंथेटिक मैथड वो अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली लाइन आपने वैसे याद नहीं करनी और ना ही इसको आपने किसी भी डाटा में एड करना ठीक है ये जस्ट मैंने आपको वैसे बताया कि कंपैरेटिव स्टडी है जो अब नेक्स्ट हम करेंगे उसके लिए आप लिख लें कम्पेरिज़न बिटवीन एनालिटिक एंड सेंथेस मैथड ओके क्लास ये ज़रा इम्पोर्टेंट भी है और इससे ऊपर आप लिख लीजिएगा कंपैरिजन बिटवीन एनालिटिक मेथड एंड सिंथेटिक मेथड ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में ओके इट प्रोसीड्स फ्रॉम दी अन ऑन टू नॉन इट प्रोसीड्स फ्रॉम नॉन टू अन ऑन यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं ये ठीक है यानी जो सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे उससे अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा ठीक है इट स्टार्ट फ्रॉम द कंक्लूजन एंड गोज टू दी हाइपोथिस It starts with the hypothesis and ends with the conclusion. It is a process of thinking. It is a process of thought. It is a process of exploration and demand thought. It is a process of present. प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रीवियसली डिस्कवर्ड फैक्ट्स यानी कि सेंथिसिस में हम प्रीवियसली डिस्कवर्ड चीज़ों को डिस्कवर करते हैं वाइल सेंथेटिक मेथड में हम नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हैं ठीक है एनालाइज करने के बाद हम उसको अप्रूव करते हैं इट पुल्स अ पार्ट और एनालाइज द स्टेटमेंट अंडर सोलूशन इट पुल्स टुगेदर और सेंथिसिस अनोंग नॉन फैक्ट्स इट इज़ जनरल मैथड इट इज़ अ स्पेशल डिवाइस क्योंकि इसके ज़रिए हम चीज़ों को रीअरेंज करके प्रूव करवाते हैं इट इज़ लेंथी ऑकवर्ड स्लो राउंड अबाउट एंड इन वोल्व्स ट्रायल एंड एरर यानी इसमें एरर्स भी आते हैं जिसको इम्प्रूव करते हुए हम अपने फाइनल सोल्यूशन तक जाते हैं वाइल सेंथिस में कोई एरर नहीं होता इट इज़ कंसाइज एलिगेंट केक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड विदाउट ट्रायल एंड एरर इच आंसर सेटिसफेक्ट्री एनी क्वेश्चन दैट मे अराइज इन द माइंड ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल इनके एनालाइज करते हुए तमाम चीज़ों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी ब्रेक करके चेक करना पड़ता है इसलिए इसमें हर तरह के क्वेश्चन का आंसर प्यूपल को मिल जाता है वाइल इट डज़ नॉट सेटिसफाई द डाउट्स एंड क्वेश्चन अराइज इन द माइंड ऑफ दी लर्नर क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी डिवेल्प हैं उनको बस एक दफ़ा ये अरेंज करके मजीद जो है वो दोबारा से डिवेल्प करना है इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन अराइज भी नहीं होता कि वो स्टूडेंट के माइंड को सेटिसफाई कर सके इट इज़ द मैथड फॉर द थिंकर एंड डिसकवर इट इज़ द मैथड फॉर द्रैमर यानी ये क्रैमर वालों के लिए और ये जो है वो डिस्कवर यानी जिनमें थिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है देर आर क्लोज कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द टीचर एंड दी

इट इज़ साइकोलॉजिकल इट इज़ लॉजिकल क्योंकि ये इसमें सोच विचार ज़्यादा होती है और इसमें लॉजिक होते हैं ज़्यादा जो मै, अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिकल के स्टेप्स जो हैं वो इसमें रूल्स फॉलो किए जाएंगे इट इज़ फॉर्मेशनल इट इज़ इंफॉर्मेशनल इट इज़ बेस्ड ऑन हेरोस्टिक लाइनस यानी कि स्टेप्स के करने पड़ते हैं इसमें देर इज़ नो हरुस्टिक अप्रोच इन इट यानी कि सोच विचार इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती इट इज़ दि फॉर रनर ऑफ देंथिसिस यानी जो सेंथिसिस मैथड है उसकी तरफ इसकी अप्रोच हो रही होती है इट इज़ दि फॉलोवर ऑफ एनालिसिस यानी एनालिसिस मैथड ऑलरेडी अवेलेबल है उसको फॉलो किया जाता है सेंथिसिस मैथड में और ये क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर नेक्स्ट हम इनशाला स्टडी करेंगे लेबॉरट्री मैथड को तो आज के इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखना है इनशाला नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए लिया है स्टेपलास्ट तो हमें याद रखिएगा